Dear student, welcome to my channel Science and Maths Academy. In the last video, हमने chemistry के question का discussion किया था. Now, it is the turn of physics. और इस video में physics के बहुत ही important question का discussion है. So, stay tuned with me. और हाँ, आप नए हैं तो subscribe कीजिए मेरे channel को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि और भी क्वेश्चन और उसके आंसर मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द थ्री कनकेव मिरर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये यहाँ पे आपको तीन यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं. तीनों क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और फोकल लेंथ का वैल्यू गिवन है और उससे रिलेटेड फिर नीचे क्वेश्चन किए जा रहे हैं. तो ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन है, किसका क्या वैल्यू है और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर. हमने कॉनकेव मिरर में सिक्स केसेस का डिस्कशन किया था. सिक्स केस में कहाँ अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका साइज क्या होगा, ये सारा हमने डिस्कशन केस में कर रखा है. तो यहाँ पे तीन सीरियल नंबर दिए गए हैं और तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ थ्री इन विच पार्ट ऑफ द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट. यहाँ ध्यान देना है कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट कहाँ, कौन से मतलब केस पे हमारा आएगा, इन तीनों में से बताना है. तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो बनता है कॉनकेव मिरर में, वो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है कि विच मिरर इज बीइंग यूज्ड एज अ मेकअप मिरर. मेकअप मिरर के लिए कौन सा इसमें हम यूज करेंगे, कौन सा जो केस है वो यूज किया जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, आप मिरर से कितने दूर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड. और हमारा जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है और डिमिनिस्ड बन रहा है, मतलब कि वर्चुअल बन रहा है और डिमिनिस्ड बन रहा है, छोटा बन रहा है. तो आइडेंटिफाई वेदर दिस इमेज इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो ये भी आपने अगर किया है केसेस तो ही बता सकते हो. कॉनकेव मिरर में सिक्स केसेस होते हैं और इसमें जो वर्चुअल इरेक्ट बनता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है. बट कॉन्वेक्स में जो दो केसेस होते हैं और दोनों में जो हमारा इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और डिमिनिस्ड बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है. देयरफॉर द आंसर इज कॉन्वेक्स. नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है कि हाउ डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड हेल्प इन द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर. हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मिरर है, प्लेन है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इसके लिए हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना होगा, ये आपको लिखना है. तो ये जो तीन क्वेश्चन हुए, तीनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपको ये बताना होगा. सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन एनी टू प्रिकॉशन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे कहा जा रहा है कि मेंशन एनी टू प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए ओवरलोडिंग से बचने के लिए, इसको आपको यहां पे राइट डाउन करना है. और इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर अ करेंट कैरिंग सोलेनोइड. सोलेनोइड जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है और है इसमें कि एक्सप्लेन द पोल्स फॉर्मेशन एट इट्स एंड. इसके एंड पे जो पोल फॉर्मेशन बन रहा है उसके बारे में आपको बनाना है. तो दो पोल हुए इसके साउथ और नॉर्थ, उसके बारे में बताना है कि सोलेनोइड पे कैसा पोल पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है. यहां हमारा क्वेश्चन सेकेंड भी कंप्लीट होता है. क्वेश्चन थर्ड को हम देखेंगे कि स्टूडेंट सीटिंग एट द बैक ऑफ अ क्लासरूम कैन नॉट रीड क्लियरली द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. ध्यान देना है ये ह्यूमन आई चैप्टर का है. इसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो क्लास में बैक बेंच पे बैठ रहा है और उसको जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लेटर क्लियरली नहीं दिख पा रहा है. व्हाट एडवाइस विल अ डॉक्टर गिव टू हर.
उस स्टूडेंट को डॉक्टर क्या एडवाइस करता है, एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन हुआ इसका ये कैसा डायग्राम बनेगा करेक्शन का, मतलब उसको जो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे तो उसका फिर ये जो इमेज बन रहा है वो सही हो जाएगा, ये करेक्शन का आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को दूर की चीजें क्लियर नहीं दिख रही है, इट मीन्स ये जो स्टूडेंट होगा ये मायोपिक पर्सन है, इसको मायोपिया है, और उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या कॉजेज हैं, ये डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करता है और क्या इसके डायग्राम बनेंगे ये आपको देने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में कि अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर डिस्टिंक्टली। यहां पे हमारा क्या है, पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है जो 2 मीटर डिस्टेंस पे है। स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विच कुड बी यूज टू करेक्ट दिस विजन। इस विजन को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे और उसका फोकल लेंथ क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 मीटर ये जो गिवन है ये वी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन रहा है हमारा, और यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, और उसको करके आप फोकल लेंथ जो होता है हमारा फॉर्मूला, जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, इसको यूज करके आप फोकल लेंथ निकाल लोगे, और फोकल लेंथ अगर प्लस और माइनस में आता है तो उससे आपको नेचर ऑफ लेंस भी पता चल जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 इज, 4 में पहला क्या है कि अ सर्कुलर मेटेलिक लूप इज केप्ट अबव द वायर ए बी एज शोन बिलो। ये ए बी एक वायर है और इसके ऊपर ये सर्कुलर लूप गिवन है। तो अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहां ध्यान दें ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट के बारे में मैंने डिटेल आपको बता रखा है कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप इफ द करेंट फ्लोइंग इन द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में करेंट फ्लो कर रहा है तो अगर स्टेडी है, दैट इज डज नॉट वेरी, तो हमारा क्या होगा इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन, और इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, अगर उसके साइज को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इंड्यूस करेंट में। और यहां पे है कि जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, दोनों केसेस में हमको जस्टिफाई करना होगा अपने आंसर का। सेकेंड इसी में क्वेश्चन है हमारा कि अ कॉपर क्वाइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर क्या है, जो प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। तो कॉपर क्वाइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज, पहला कंडीशन है पुश्ड इनटू द क्वाइल विथ इट साउथ पोल इंटरिंग फर्स्ट। अगर साउथ पोल के तरफ से हम उसे एंटर करते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, और सेकेंड है हेल्ड एट रेस्ट इनसाइड द क्वाइल, अगर हम उस क्वाइल में रेस्ट पोजीशन पे रखते हैं मतलब उसका कोई मोशन नहीं करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो ये आपको पता होगा कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इसमें मोशन होना बहुत जरूरी है, ये मोशन होगा तभी हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो फ्लक्चुएट करेगा, और अगर स्टेडी रेस्ट पोजिशन में रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा वहां पे जो करंट होगा, मतलब कि हमारा गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा, मतलब करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारे जो 4 क्वेश्चन हुए ये फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं जल्द अपलोड करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड विथ माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपसे बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।